फ्रेंड वेलकम है आपका ऑल इन वन क्लासेस में। हमारी एक्सरसाइज शुरू है 8.3। 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। सबसे पहले आपको फर्स्ट के फार्मूले लर्न होना चाहिए जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए। चलिए सबसे पहले हम इसका जो ट्राइंगल है वो ड्रॉ कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड देखते फिर, चलिए हमने ए बी सी ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हमें जो दिया गया, चलिए इसका मैं आंसर आपको राइट करके बताता हूँ आंसर। देखिए पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी गिवन। गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें हम लिख सकते हैं गिवन और ट्रायंगल। गिवन और ट्रायंगल नाम उसको हमने दिए थे ए बी सी, और आपको पता है इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप देख सकते हो यहाँ पर बी कितने डिग्री है, 90 डिग्री। इस तरह शुरुआत करनी है अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सिंपल यहाँ पर देखिए, हमें दिया गया है 3/4। आप देख रहे हैं ये 3/4, ये देख रहे हैं आप 3/4 को आप देख रहे हैं। तो ये जो 3/4 हमें दिया गया है यहाँ पर देखिए, ये 3/4 आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 3/4। तो हम इसको इस तरह राइट करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्टेंट के ले लेंगे हम, और हम जब राइट करेंगे लेट लेट बी सी इज इक्वल टू बी सी को, जैसा साइन का जो फार्मूला है एडजेसेंट अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए आप देख रहे हो यहाँ पर जो साइन ए देवा है आपको, तो इसके साइन ए की ये साइड कौन सी हो जाएंगी, साइन ए की बी सी, और बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को ए सी हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो बी सी है उसको ले लेंगे 3, और जो हाइपोटेनियस उसको ले लेंगे 4। तो यहाँ पर हम इसको के कांस्टेंट लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, कांस्टेंट के कांस्टेंट लगा देंगे। तो बी सी हमारे पास में कितना हो गया 3k, और ए सी हमारे पास में हो गया ए सी इज इक्वल टू 4k। समझ में आ गया आपके। अब यूज़ करेंगे हम ए बी, हमें फाइंड करना है। तो ए बी जब हमें फाइंड करना है तो यूजिंग पी जी टी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए हम राइट करते हैं देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम राइट करेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमने राइट किए, ए सी हमारे पास में दिया गया है, ए सी कितना है 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है हमारे पास में फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस, और बी सी हमें पास दिया है पास में 3k स्क्वायर। आप जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और k का एज इट इज स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस 3 का 9 और k का k स्क्वायर। अभी 16k को इसी तरह लिखिए, 16k का स्क्वायर प्लस 9 को इधर लिखा जाए तो माइनस 9k स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। मैं थोड़ा इसको इधर सीधा लिखता हूँ, ए बी का स्क्वायर, मैं थोड़ा फिर से राइट करता हूँ इसे, देखिए मैं फिर से राइट करता हूँ, ए बी का स्क्वायर 16 में से 9 गए तो रिमेन कितना बचेगा हमारे पास में 7k, करेक्ट, कितना बचेगा 7k ना। तो राइट कर दीजिए यहाँ पर 7k का स्क्वायर। आपको पता है जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए बी इज इक्वल टू के का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा और अंडर स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता लग गया क्या ए बी कितना आ गया हमारे पास में, मैं इसे बॉक्स कर लेता हूँ, मैं बॉक्स कर लेता हूँ इसे, ए बी हमारे पास मिल गया के अंडर स्क्वायर रूट 7। तो चलिए आगे, अभी हमें फाइंड करना था, आप क्वेश्चन पे आ जाइए, कैलकुलेट द कॉस ए, हमें पूछा गया कैलकुलेट द कॉस ए। तो चलिए मैं कॉस ए को यहाँ पर राइट करता हूँ, कॉस ए मैं फिर से इसे राइट कर लेता हूँ एक बार, थोड़े अच्छे से राइट कर लेता हूँ यहाँ पर कॉस ए। कॉस ए का फार्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन
हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी, करेक्ट। ए बी कितना है हमारे पास में, ए बी आप देखिए, ए बी आया हमारे पास में के अंडर स्क्वायर रूट 7 अपॉन, और ए सी कितना है हमारे पास में 4K, कितना है 4K। आप जानते हैं कि ये के और ये के कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में आंसर कितना आएगा, अंडर स्क्वायर रूट 7/4। चलिए हमने cos की तो वैल्यू फाइंड कर लिए। अब मैं थोड़ा इसका फॉन्ट कलर चेंज करता हूँ और आपको बताता हूँ। दूसरा था हमें tan a फाइंड करना था। tan का फार्मूला क्या है, अपोजिट साइड्स अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या हो गया उसकी, बी सी अपॉन एडजेसेंट ए बी, करेक्ट। राइट नाउ ए बी, आप पता है आपको बी सी कितना है हमारे पास में, बी सी 3K, और ए बी कितना है के अंडर स्क्वायर रूट 7। आप जानते हैं के कट हो जाएगा और बचा क्या हमारे पास में 3/√7। देखिए हमें ये दो वैल्यू फाइंड करने थे क्वेश्चन में जो दिए गए थे, cos a और tan a। तो इसी तरह ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हमारा वीडियो आपको ये अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल का आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिसकी वजह से हमारी न्यू वीडियो आपको देख सके। नेक्स्ट जो इसके बाद का जो 4th वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे अप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।